हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैंने कुछ नया ट्राई किया है। आप भी इसको घर में बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा, और कुछ भी जो आपको पसंद हो तो कमेंट में लिखिए, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। और चलिए बनाते हैं चौको लावा केक। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ये सामान चाहिए। सबसे पहले कुकर में थोड़ा सा नमक डालकर मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के गर्म होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ एक बाउल में थोड़ा सा पानी बॉयल होने के लिए रखेंगे, जिसमें हम अपना चॉकलेट मेल्ट करेंगे। फिर एक केक टिन को ऑयल या बटर से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से चारों तरफ। अब इसमें ड्राई मैदा डालकर अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग करने से हमारे केक चिपकते नहीं हैं और बहुत ही स्मूथली निकल आते हैं। एक्स्ट्रा मैदे को हम निकाल देंगे। अब एक बड़े बाउल में 5 स्पून वेजिटेबल ऑयल लेंगे। इसकी जगह पे आप बटर भी ले सकते हैं रूम टेम्परेचर पे रख के। फिर इसमें 5 स्पून कर्ड लेंगे। कर्ड हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए। फाइव स्पून मैदा लेंगे। जितना हमने ऑयल कर्ड लिया है उतना ही मैदा लेंगे। पीसा शुगर हम 4 स्पून लेंगे। अगर आपको मीठा पसंद है तो 1 स्पून आप बढ़ा सकते हैं। कोको पाउडर 1.5 चम्मच लेंगे। सारे मिश्रण को हमने पहले छान लिया था, इसलिए मैंने डायरेक्टली ही डाल दिया है। बेकिंग सोडा 1/4 स्पून लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा मिल्क डालेंगे हम, जितना ज़रूरत होगा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे। एक ही पोर्शन में चलाते हुए हमें मिक्स करना है। थोड़ा मिल्क और डालेंगे क्योंकि हमें एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। 5 से 10 मिनट हम ऐसे ही चलाते हुए मिक्स किया, देखिए हमारा एक स्मूथ बैटर तैयार हो गया। हमें केक के लिए ऐसा ही पोर्शन चाहिए। आधे पोर्शन को हम केक टिन में निकाल लेंगे, आधे पोर्शन को बाउल में ही रहने देंगे। बैटर को केक टिन में अच्छे से फैला लेंगे और टैप करके सारी हवा निकाल लेंगे। जो कुकर हमने गर्म होने के लिए रखा था उसमें केक टिन को डाल देंगे, ढक्कन लगा देंगे। फ्लेम मीडियम टू हाई रहेगा। पानी जो हमने बॉयल किया था उसके ऊपर हम कांच का बाउल रख के, जो कैडबरी हमने लिया था वो और हमारे पास थोड़ा सा डार्क चॉकलेट था उसको भी मैंने डाल दिया है। देखिए मेल्ट हो गया है और थोड़ा गाढ़ा भी है ये। ज़्यादा गाढ़ा होने पर आप मिल्क भी डाल सकते हैं। जो केक हमने बेक होने के लिए रखा था इस चॉकलेट को हम उसमें डाल देंगे। सेंटर से डालते हुए अच्छे से फैला देंगे चारों ओर। बचे हुए केक के मिश्रण को इसमें डाल देंगे ऊपर से। अच्छे से फैला देंगे। ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए बेक होने देंगे। देखिए हमारा केक तैयार हो गया है। टूथपिक से हमने चेक किया, टूथपिक एकदम प्लेन निकला है। हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। नाइफ की सहायता से चारों ओर हम अच्छे से कर लेंगे, फिर प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही केयरफुली करेंगे, केक बहुत सॉफ्ट होता है।
देखिए हमारा केक निकल गया है, अब हम इसको सीधा करेंगे दूसरी प्लेट की सहायता से। अब हम इसको कट करके दिखाएंगे, देखिए अंदर से कितना जूसी है और चॉको लावा कितना स्मूथली निकल रहा है अंदर से। हमारा चोको लावा केक तैयार है। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।